हेलो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी यानी विविधता के बारे में पढ़ रहे थे हम सब। जैसा कि हम सब जानते हैं, समाज में अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्तर में भिन्नता वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं, और वैसे ही घरों से या वैसे ही वातावरण से छात्र जो है आपकी कक्षा में भी आते हैं, यानी जिनमें सीखने समझने की क्षमता में भिन्नता होती है, जिनमें अभिप्रेरणा का स्तर अलग अलग होता है, या जिनकी सोच और विचारधाराएं अलग अलग होती है। तो एक शिक्षक होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि इन सभी बच्चों को एक साथ आप शिक्षण प्रदान करें। क्लासरूम की डाइवर्सिटी, क्लासरूम में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की क्षमताओं, उनके दिमाग, उनके आइडियाज़, उनके शक्तियों पर निर्भर करती है। और जब आपको इस प्रकार के कक्षा में शिक्षण करना हो, यानी एक विविध कक्षा में, एक ऐसा कक्षा जहाँ पर धर्म अलग अलग हो, उनके आर्थिक स्थिति अलग अलग हो, लिंग में अंतर हो, उम्र में थोड़ा बहुत अंतर हो, संस्कृति, क्षमता, इन सब में भिन्नता पाई जाती है, तो आपको इस तरह के कक्षा में जो शिक्षण करना होगा ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए हर शिक्षक को कुछ रणनीतियाँ तैयार करनी होंगी, जिसके हेल्प से वो बच्चों को एक समावेशी पाठ्यक्रम प्रदान कर सके, या बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कक्षा में शिक्षण प्रदान कर सके, यानी कक्षा के लिए वह शिक्षक उपयोगी है इस बात को वह साबित कर सके अपनी रणनीतियों के अनुसार। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे हर एक कक्षा में आपको कुछ विशेष आवश्यकता वाले छात्र मिलेंगे, जिसमें शारीरिक अक्षमता हो सकती है। शारीरिक अक्षमता में जैसे बौद्धिक अक्षमता या फिर मानसिक अक्षमता, ये अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों को भी आपको सामान्य विद्यार्थियों के समान ही शिक्षण प्रदान करना होता है। या फिर कक्षा में कुछ विशिष्ट बालक भी होते हैं। विशिष्ट बालक यानी वैसे बालक जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, यानी जिनमें जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत अधिक होती है। अब इस तरह के बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि आपको इन्हें हमेशा व्यस्त रखना होगा या इनके अनुसार कार्यों को रुचिपूर्ण बनाना होगा। तो ये भी दो अलग अलग प्रकार के बच्चे आपको क्लासरूम में मिल सकते हैं, एक जो विशेष आवश्यकता होगी जिन्हें, और एक जो विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। भाषा संबंधी समस्या भी छात्रों में एक कक्षा में आपको मिल सकता है। भाषा संबंधी समस्या से ग्रस्त बालकों की भी मदद करना, और साथ ही साथ आपको ऐसे रुचिपूर्ण तरीके से कम्युनिकेट करना होगा छात्रों के साथ, ताकि डिफरेंट लैंग्वेज जो है, जो भी डिफ़िकल्टी हो उनमें, वो क्लियरली आपको समझ सके, और जो कॉन्सेप्ट आप समझाना चाहते हैं उसे वो क्लियरली समझ सके। देन जो लिंग संबंधी अवरोध हैं उसे भी तोड़ने में मदद करें, यानी कि जो लिंगुअल बैरियर होते हैं उसे तोड़ने में मदद करें। छात्र ये ना समझे कि वह लड़की है या वह लड़का है, ये सोच बच्चों में उत्पन्न ना हो, और सीखने के क्षेत्र में यह सोच उत्पन्न ना हो कि मैं लड़की हूँ तो मैं यह कार्य नहीं सीख सकती हूँ, या मैं लड़का हूँ तो मुझे इस कार्य को नहीं करना चाहिए। ये बैरियर भी एज अ टीचर आप ही को बच्चों में दूर करना होता है। देन जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आते हैं, यानी कि आर्थिक अंतर वाले छात्रों की सहायता करना, मेन रीजंस को ढूंढना जिसके कारण ये आर्थिक भिन्नता उत्पन्न होती है। जहाँ तक संभव हो एक शिक्षक को अपने छात्रों के आर्थिक स्थिति में मदद करनी चाहिए, ताकि उन्हें यह ना लगे कि वह सिर्फ आर्थिक कमी के कारण कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी सीखने के क्रम में यह आर्थिक कमजोरी जो है उनकी मजबूरी ना बने। नेक्स्ट पॉइंट है जो जातीय या नस्लीय या धार्मिक मतभेद वाले छात्र, आपको अलग अलग कलर या फिर अलग अलग बैकग्राउंड धर्म के छात्र एक क्लास में होंगे, तो कुछ गतिविधियों के सहायता से प्रयास हमेशा करना चाहिए कि ये मतभेद जो है ये दूर हो, ताकि क्लासरूम में ये मतभेद उत्पन्न ना हो। बुक्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स या ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो इन बच्चों से मिलते जुलते हो सकते हैं, पर सभी बच्चे के लिए एक समान हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करने होंगे अपने उन सभी बच्चों के लिए जो इस तरह अलग अलग धार्मिक क्षेत्र से आते हैं, ताकि
एटलीस्ट एग्जाम्पल्स की सहायता से या डिफरेंट एक्टिविटीज़ की सहायता से आप इनमें ये मतभेद उत्पन्न होने ना दो क्लासरूम के अंदर। देन है कक्षा में या फिर विद्यालय में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, ये बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं, इन अलग अलग जो आपने पॉइंट्स देखे इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो निरंतर गतिविधि के कारण डिसिप्लिन से दूर हो जाते हैं या डिसिप्लिन मेंटेन करने में ये कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो कक्षा में और पूरे विद्यालय परिसर में प्रयास करना चाहिए कि डिसिप्लिन बना रहे। साथ ही साथ सीखने के लक्ष्यों को और ज़्यादा आपको चुनौतीपूर्ण बनाना होगा ताकि बच्चे जो है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, यानी हर एक बच्चा जो है अपना क्लासरूम में बेहतर प्रदर्शन करे। आपको आपके शिक्षण में एक इस तरह से परफॉर्मेंस लाना होगा जिससे बच्चों का आकलन जब आप करें तो सिर्फ उस आकलन से बच्चों की गतिविधि का नहीं बल्कि आपके शिक्षण पद्धति की सक्रियता का भी पता चले, यानी मूल्यांकन समय समय पर करना बच्चों के परफॉर्मेंस का, और साथ ही साथ उस मूल्यांकन से शिक्षण पद्धति की सक्रियता को भी ज्ञात करना, यानी हम जो टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्या वो सही कार्य कर रहा है या नहीं। देन हमेशा छात्रों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्यरत रहें, उनके ज्ञान और कौशल पर ध्यान दें कि जो संभावित ज्ञान है या जो कौशल आप विकसित करना चाहते हैं वह हो रहा है या नहीं। और हमेशा ही एक शिक्षक को छात्र के जीवन में मोटिवेटर का काम करना चाहिए, यानी एक अभिप्रेरक का काम करना चाहिए। तो जब आप एक विविध कक्षा शिक्षण में जाते हैं, एक ऐसी कक्षा में जहाँ विविधताओं से भरे हुए छात्र हों, तो आपको कुछ इस तरह के पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको अलग अलग लैंग्वेज, आपको अलग अलग स्पेशल नीड्स, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, रेशियल रिलीजियस डिफरेंसेस के छात्र आपको मिलेंगे, और उन सभी को लेकर के आपको एक सुचारू कक्षा चलाना है। ओके, थैंक यू।